सभी गांव के लोग मिलकर मारने के बाद बोले कि सिर्फ 5 लोगों का नाम देंगे और 5 लोगों को अंदर करेंगे, बाकी बाद में अपन उनको छुड़ाने के लिए कोशिश करेंगे। इतकल गांव में रविवार 15 सितंबर को एक बड़ी दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की हत्या कर दी गई। उस दौरान गांव के कई लोग शामिल थे, हालांकि कई लोग डर से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन एक चश्मदीद महिला मिली है जो उस दौरान उस पूरे घटना को अपनी नज़रों से देखा और क्या हुआ था उस दरमियान, कैसे लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया, ये जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि महिला को हिंदी नहीं आती है, हम कोशिश करेंगे कि उसे इनके कहने के बाद हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें। जी क्या हुआ था कुछ उस दिन? वेर मिट्टी ना ये कुड़ी तलपतरे वो कुड़ी मत पुजरे रख पुजरे रख कुड़ी मंदा वेला वो दादर वादिल होगा वादिल का उन बत्तस की पंच ते गी तो इत ते गिंजी जो कितना वेला मल लोक बत वास दो और तीन मेला ना स्कॉन बत तो नहीं रिट दादे उन वास मेल बतां कुड़ी मत ना निज बत्ता नहीं बत्ता में तलपटें जो कितना वेला मल स्की गुवास मेला ना उन लोग ने बत्ता पत्तो बराड वास मेला के लाटें जो कितना कितना लान तुरिक बत्तो वास मलाने इला कुड़ी कुड़तर साई तल तस्साई केत वाला मलास के गर गर रे वास मला केतना दे उठ पटानो मिया वनी मिया लीला जादू तुंग उन्द वारत कर पाना थी सुंदर इंजो किच में आज के उठ पटांग वर्ष तो पोइस मला। क्या बोल रही है पूरा बताइए थोड़ा। सुबह एक टाइम मीटिंग के लिए बुलाया गया है पुजारी पारा में, वहां होने के बाद बोले कि तुम्हारे भाई आने के बाद ही ये सब मामला सॉल्व होगा करके थोड़ा सा रुक गए, अपने अपने घर चले गए। जाने के बाद भैया को बारीकी से फोन किए कि जल्दी पहुंचने के लिए जल्दी आओ करके बुलाने के बाद तुरंत आए। आने के बाद फिर उधरी चले गए थे बैठक के लिए पटेल के घर पास। जाने पर बोले कि अपने घर पास चलो, वहीं पर होगा बैठक करके यहाँ पर लेकर आए। लाने के बाद बोले कि बात क्या है बताओ कि मेरे से सॉल्व होगा करके मुझे बुलाए करके मेरे भाई बोले। बोलने पर तुम्हारे माता पिता जादू करते हैं और तुमको और तुम्हारे सभी परिवार को मारा जाएगा करके तुरंत मार दिया गया। उस घटना में कितने लोग शामिल थे पूछे तो? इस घटने में पूरे गांव के लोग एक भी ऐसा नहीं था कि यहां पर एब्सेंट, पूरे के पूरे लेडीज बच्चे बूढ़े सब मिलकर गांव के लोग मिलकर मारने के बाद बोले कि सिर्फ 5 लोगों का नाम देंगे और 5 लोगों को अंदर करेंगे, बाकी बाद में अपन उनको छुड़ाने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसा कहकर 5 जन का नाम देने के लिए कहा गया। तो ये गांव वाले फैसला लिए? जी गांव वाले। तो इनसे पूछो कि क्या हथियार क्या था जब हमला कर रहे थे? इस घटना में लकड़ी और ईंट पत्थर के साथ मारा गया। ये चश्मदीद है, उस दरमियान ये पूरी घटना को उन्होंने देखा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरे गांव वालों ने फैसला लिया एक घर एक परिवार को खत्म करने के लिए, और बड़ा षड्यंत्र पूर्वक ये भी फैसला लिया गया कि 5 लोगों का नाम दिया जाएगा और उन्हें बाद में जमानत पर या कानूनी कार्रवाई पूरी कर उन्हें जेल से रिहा करवाया जाएगा। ये पूरी तरह से गांव ग्रामीणों ने पूरे गांव वालों ने मिलकर षड्यंत्र पूर्व प्लान कर आरक्षक मौसम बुच्चा के परिवार को मौत के घाट उतारा। इस पूरे सामूहिक हत्याकांड में किसी की माँ की हत्या कर दी गई है, किसी पिता की, तो किसी के भाई की, पूरे परिवार में 5 लोगों की हत्या की गई और 5 लोगों का परिवार आज ऐसी पीड़ा में है कि उन्हें अब तक बीते 3 दिन बीत जाने के बाद भी उभर नहीं पाए हैं। मौसम बुच्चा की बड़ी बहन मौसम लच्चा कर का लच्ची उस दरमियान बहन की भी हत्या कर दी गई जादू टोना के शक के आधार पर। उनकी 2 बेटियां हैं, आप देख सकते हैं 2 बेटियां मेरे साथ बैठी हैं।
और जिस समय इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था उस समय उनके पति वहां मौजूद थे। आप देख सकते हैं उन्होंने कई प्रयास किया कि उस घटना को रोका जाए, उन्हें बचाया जाए, लेकिन वे असफल हुए और इनकी आंखों के सामने ही उनकी पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। समझते हैं कैसे हालात थे, क्या माहौल था, कैसे पूरा गांव एक परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया और उन्हें मौत की सजा सुना दी। क्या नाम है आपका दादा? जब घटना हुआ रविवार को आप थे यहाँ पे? यहीं पे थे। क्या हुआ था पूरा थोड़ा सा बताइए। ಈಗ ಆಗಿತ್ತು ಪಂಚ ತ್ರಿಯೋತ್ರಿಯವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಮಡಸಿತ್ತರು ಇವಕ್ಕ ತೀದಿ ಮನ ಮಡಸಿಸ ಮೇಲೆ ಹತ್ತವ್ರು ಹಚ್ಚಿ ಅವ್ರು ಪಂಚ ತುಂಗೋರು ಬಾತ ಬೇಲ ಮಂದನಾದ ತಲುಪಿಲ್ಲರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲರು ಬಾತ ಮ ಬೇಲ ಮಂದನಾದವ್ರು ಬಾತ್ ಸಂಖ್ಯ ತಲುಪಿಲ್ಲರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲರು ಈಗ ಆಗಿ ತುಂಗೋರು ನೇಕ ಬಾತ ಇಲ್ಲೋಟು ಓದಿ ಗುಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಿರಿಯೋರು ಅವ ಕೆಚ್ಚರ ಅವು ಬೀನು ತುಂಗ್ತದ ಬಾತ ಅದಲ್ಟದ್ ಕೆತ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಟದ್ ಬಾತ ಪಡೆಯಿಸ್ಕೊಂಡ ಹೊರದಂಗು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀಯಾಗಿ ವಾಸ ಹೊಂದಿ ಮೀಯಾಗಿ ವಾಸ ಹೊಂದಿ ಜಾದು ಇಂಜು ಏಕದಮ್ ಒಡಿಸಿತ್ತರು ಮೂಗುರಿ ಇವರು ಐವರಿ ಒಡಿಸಿಸ ಮೇಲ ಮಮ್ಮ ಐ ಮಮ್ಮ ಒಡಿಸ್ತ ಐ ಮಮ್ಮ ಮಂಜಿ ಇಲ್ದಂತ ಮಿಂಜು ಐವರು ಜೇಲ್ದ ತಾನತ್ತದ ಹಿಂಗ ಒಡಿಸ ಪಂಚ ತುಂಗನಸ್ ನಿಟ್ಟ ನಾಟಿನವರು ಮತ್ತವರು ಐವರು ಬಡಸಿಲ್ಲರ ನೀ ನಾಟಿನವ್ರು ಅಂತ ಬಡಸ ನೋಡ್ತಾನ क्या बोल रहे पापा? पापा ये बता रहे हैं कि जब सुबह बैठक हुआ तब बात करे, जब वो आएंगे तभी ये सब खत्म होगा। बो के बोले जब मामा आए तब पूछे नहीं तुम्हारे यहाँ से ऐसी आ रहा। बो के ऐसी कुछ भी नहीं पूछे, देखिए वो तो बताओ ऐसा कुछ भी नहीं पूछे, आते बराबर बात करते करते ही मार दिए। अच्छा जी, तो उस समय पापा भी आपके पिताजी वहीं पे थे, तो ये क्या रोकने की कोशिश किए थे? जी किए थे, लेकिन उनको भी दखल दिए, जो बीच में आएगा वो भी नहीं बचेगा। वो कैसे बोले? अच्छा जी, तो कैसे घटना को अंजाम दिए, कितने लोग थे उसमें मारने के दौरान, किन किन लोगों ने मारा? ಅಂದೋರಿ ಮತ್ತವ್ರು ಅಂದೋರು ನಿಟ್ಟನಾಡಿನವ್ರು ಕೂಡ್ತವ್ರು ಕೂಡಿ ಪಂಚಿಂಜ ತಿರುಕಾಡಿಂಜ ಬೆಲಮನ್ನದಲ್ಲ ತಿರುಕಾಡಿಂಜ ಕೂಡಿ ಮಲ ಓ ನೀನು ಬುಚ್ಚಾನು ಅವು ಅಚ್ಚಾಮಿ ಊರು ಪರಿವಾರದ ಈಗ ಮಡಸೂರು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾಟವಾಡಿಂದ ಅವು ಮಂಜು ಮೇಲೆ ಅವು ತುಂಗ ಅವು ಬಾಟ ಮಾಟಿ ಬೇಲ ಬಾತ ಬೇಲಮ್ಮನ್ನದ ಕೆಲ್ಲಾಟಿಂಜು ಕೆತ್ತಮೇಲ ಮೀಲು ಉನ್ನೋರು ಮಣಸುಮಿಂದ ಹೋಗಿ ಉಂಡು ವಾದವ ಉಂಡು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಂಚ ತೆಗಿತಿಂಜು ಓನಿ ಕರಂಗಿಸ್ತವ್ರು ಓನಿ ಕರಂಗಿಸಿ ಮೇಲ ಅವನಿಗೆ ಕರಗಿಸಿ ನೀನು ಇಲ್ಲ ತುಂಗನಾಕಿ ಅವನಿಗೆ ಕರಗಿಸ್ತರು ಕರಗಿಸಿ ಮನ ಅವನ ಬತ್ತಸ್ಕಿ ಮೀಲು ತದಿ ಗೊಡವಿ ಇಲ್ಲ ಮೀರು ಗಟ್ಟಿ ಜಾದೂ ತುಂಗ ಮಿಂದಿರಿ ಇಲ್ಲ ಮಂತಿನಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಗ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಗ್ತೀರಿ ಜೋರು ಇಲ್ಲ ಕೆಚ್ಚು ಕೆಚ್ಚರು ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾಕಿ ಮಾರೋರು ಮಾರೋರಿ ಅಸ್ಕಿ ಬಡಸನ ಶುರು ತುಂಗ್ತರು ಅಸ್ಕಿ जी मामा आने के बाद तुम्हारे घर में ये सब हो रहा है इसीलिए तुम्हारे घर वाले कर रहे हैं बोल के मामा को ऐसे भुला के बात भी नहीं किए और ये सब कर। जी कितने लोग थे गांव वाले? जी पूरे गांव वाले थे। जी दौड़ा दौड़ा के मारे? नहीं सर, यहीं पे नहीं दौड़ा है, बस यहीं पे मार थी। जी तो जैसे बता रहे हैं कि पांच लोगों का नाम देंगे और बाकी फिर घर वालों को गांव वाले छुड़ा लेंगे, ऐसा बात हुआ था क्या वहाँ? जी हुआ था सर। जी तो अभी आप लोग पूरा घर खाली करके कहाँ जा रहे हैं? जी कोंटा में मामा का घर है तो वहीं पे रहेंगे। तो यहाँ क्यों नहीं रहेंगे अभी? जी वो तो पता नहीं सर, कभी कभी कोई आते रहेंगे तो उनके साथ आना जाना करते रहेंगे, लेकिन अभी गांव छोड़ रहे हैं। जी मौसम बुच्चा की ये भांजिया है, ये जीजा है, और बुच्चा के साथ उनकी बहन की हत्या कर दी गई, माँ बाप को भी मार दिया गया, पत्नी को भी मार दिया गया। आज पूरा घर गांव छोड़कर कोंटा जाकर बसने को मजबूर है। ये सरकारी सिस्टम की लापरवाही का नतीजा ही समझे कि आज गांव खुद के गांव में परिवार रहना नहीं चाहता है। गांव के हालात अभी फिलहाल बेहद चिंतनीय और दयनीय है। लोग पूरा गांव सन्नाटा पसरा हुआ, गांव के लोग फिलहाल कुछ बोलने को तैयार नहीं है, बस एक पीड़ित परिवार ही है जो अपना दर्द बयां कर रहा है। सलीम शेख, सुकमा।